फिलहाल एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर जो है घायल हो गया है, और अचानक जो यहाँ भगदड़ मची थी 3:30 बजे, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है ये फिलहाल घायल हुआ था, और अब जो है ये पुलिस ने जो रोकने की जब कोशिश की तो उसमें कुछ लोगों के लाठी भी लगी थी, और फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो अचानक जो है आप लोग बैरिकेड पार करके आए हैं, बैरिकेड हम करके आए हैं, क्रॉस करके पुलिस ने बहुत मारा है, ये सरासर नाइंसाफी है कि आप लोग बैरिकेड नहीं पार करिए। पुलिस ने कहा था, पर पुलिस ने खुद कहा था हमसे कि आ जाओ कोई बात नहीं है, फिर एकदम लेकिन अचानक ये भगदड़ मची है, वो कैसे मची? पुलिस रोकना चाहती थी दोबारा से एक बार, तो ये कहा कि आ जाओ कोई बात नहीं, हम आराम से आए, वैसे तो हम आराम से वहीं प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोग आए हैं, फिर पुलिस ने मारना शुरू करा है। जो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं उनको उनका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, लिहाजा उनका इलाज करवाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। सर, ये अचानक ये भगदड़ कैसे मची है? अचानक जो धक्का देकर गेट खोला, मेरे पुलिस वाला डंडा मारा मुझे। तो अचानक जो है ये भगदड़ मची कैसे? क्या आप लोग जो है, क्योंकि पुलिस आप लोग तो पहले वहाँ बैठे हुए थे, मुझे थोड़ा खोल दिया था, फिर सामने घुस रहे तो डंडा मारा उसे। पुलिस ने डंडा मारा, ये अचानक ये भगदड़ कैसे मची है वहाँ पर? ये भगदड़ कैसे मची है? तो पुलिस वालों ने मारपीट की, मारे और 3:30 बजे अचानक जो भगदड़ मची है, उसके बाद अब लोग जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनके पर लाठीचार्ज किया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माहौल अचानक बिगड़ा, उसके बाद में पहले पुलिस समझाने की कोशिश किया, और उसके बाद नहीं माने तो फिर इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, और सबके बीच में कुछ लोगों को जो है लाठियां भी लगी है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस के खिलाफ कमीशन शुरू हो चुका है। कैमरा सलमान के साथ।